ई की जो हमारे पास बिटवीननेस सेंट्रलिटी है, इट इज़ क्वाइट ईजी टू कैलकुलेट ना. इसके लिए हमें पेयर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम लोग चाहें तो बना भी सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है. क्यों ज़रूरत नहीं है? कि अगर हम लोग देखें तो ई को छोड़ के कितनी नोड्स बनती हैं, ए बी सी डी, और पेयर्स कौन से बनेंगे, ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी एंड देन सी डी. तो ए बी के अंदर तो इनफैक्ट ए बी ए से किसी भी नोड तक पहुंचने तो ई इन्वॉल्व नहीं है. इसी तरह बी से किसी भी नोड तक पहुंचना है तो उसके शॉर्टेस्ट पाथ में इन ई इन्वॉल्व नहीं है. हाँ, सी से जब हम लोगों ने डी तक जाना है तो दो शॉर्टेस्ट पाथ्स हैं, एक सी बी डी एंड दूसरा सी ई डी. अब दो शॉर्टेस्ट पाथ्स हैं और उसमें से ई कितनों में इन्वॉल्व है, एक में, एक में सर, एक एक में. में. तो इसकी हमारे पास बिटवीन सेंट्रलिटी ई की क्या हो जाएगी, 1/2. ठीक है, तो इसको हम लोग उस तरह टेबल बना के भी कर सकते हैं और अगर हम लोग चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं. तो अगर टेबल बना लें तो अगर हम लोग ये यहाँ पे देख लें तो बाकी सारे पेयर्स के लिए ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी, उन सारों के लिए हमारे पास एक ही शॉर्टेस्ट पाथ एग्जिस्ट करता है और उसके अंदर जो है वो हमारे पास ई इन्वॉल्व नहीं है. सिर्फ एक शॉर्टेस्ट पाथ जिसके अंदर ई इन्वॉल्व है वो हमारे पास कौन सा है, सी डी. तो सी डी के अंदर दो शॉर्टेस्ट पाथ सी से डी तक एग्जिस्ट करते हैं, उसमें से एक में जो है वो ई इन्वॉल्व है. ठीक है, और वो जो एंड वाली बात थी वो ये नोड ए जो है, अब इस तक क्योंकि एक ही इसकी डिग्री है, मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसकी बिटवीननेस सेंट्रलिटी जो है वो हमारे पास जीरो होगी. लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ए और सी के बीच में अगर एज एग्जिस्ट करता है तो अब ए की बिटवीननेस सेंट्रलिटी कितनी होगी, सर क्वेश्चन रिपीट कर लेगा. अब अगर एक एज हमारे पास एग्जिस्ट करता है ए से सी के बीच में तो ए की बिटवीननेस सेंट्रलिटी कितनी हो जाएगी. पहले तो जीरो है ना, क्योंकि उसकी डिग्री 1 थी, ए की शॉर्टेस्ट ए की पाथ वहां तक जाता था और वो किसी भी नोड के पाथ के अंदर जो है वो इन्वॉल्व नहीं. अब हमारे पास जो है वो अगर ए से सी तक एक एज एग्जिस्ट करता है तो ए की बिटवीननेस सेंट्रलिटी कितनी हो जाएगी. वन वन हो सर सकता अभी भी है. जीरो ही होगी सर. ओके, जीरो क्यों होगी और वन क्यों होगी. क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ में इन्वॉल्व नहीं है. इन्वॉल्व ही नहीं है सर, ये तो सेम ही है. ओके, देख लेते हैं. बी से किसी भी नोड तक जाना है तो हमारे पास ए इन्वॉल्व नहीं है. हम लोगों ने किसी भी नोड तक जाना है तो ए इन्वॉल्व नहीं है, राइट. सी से बी में ए इन्वॉल्व नहीं है, सी से ई में ए इन्वॉल्व नहीं है, सी से डी में जो है वो ए इन्वॉल्व नहीं है. इसी तरह ई से किसी भी नोड तक पहुंचना है तो ए इन्वॉल्व नहीं है, डी से किसी भी नोड तक पहुंचना है तो ए इन्वॉल्व नहीं है. व्हाट अबाउट दिस एज, कि अब हमारे पास ए से डी तक भी एक एज एग्जिस्ट करता है तो अब तो हमारे अब पास ए की बिटवीन सेंट्रलिटी जीरो होगी या नहीं. अभी नहीं होगी सर, भी क्योंकि अब जीरो. सी में जाना है तो ए तो इन्वॉल्व होता है ना. अब बी से अगर कहीं पे भी जाना है तो उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है, सी से अगर हम लोगों ने डी तक पहुंचना है तो कितने शॉर्टेस्ट पाथ एग्जिस्ट करते हैं, टू, सी ए डी और टू सी ई एग्जिस्ट डी, करते हैं. तीन, थ्री एग्जिस्ट करते, सी थ्री सी ए सी डी डी सी बी डी बी डी एंड सी ई ए. तो इसकी वजह सी से हमारे ई पास जो डी है वो यहाँ पे हमारे पास जब सी से डी को हम लोग कंपेयर करे होंगे तो उसके लिए हमारे पास 1/3 आ जाएगी. ठीक है, अगर हम लोग सी को जे सी डी ए और जे सी डी, तो ये हमारे पास 1/3 आ जाएगी. ठीक है, सी से हमारे पास डी तक के लिए नहीं होगा, सी से ई तक के लिए नहीं होगा, फिर डी से हम लोगों ने ई तक जाना है तो इन्वॉल्व नहीं होगा और ई से हम लोगों ने कहीं तक पहुंचना तो ए इन्वॉल्व नहीं होगा. तो हमारे पास इस नेटवर्क के लिए जो ए की बिटवीननेस सेंट्रलिटी है, बिटवीननेस सेंट्रलिटी ऑफ ए वुड बी 1/3. ठीक है, एंड वी गॉट द आइडिया. और इसको हम लोग ऑफकोर्स इस तरह टेबल बना के तो कर ही सकते हैं. सर ठीक है जी, यहाँ मेरा तक कोई एक क्वेश्चन आप. सजेशन है सर. जी सर ये अगर हम बिटवीननेस किसी नोड की फाइंड करते हैं तो हम किसी स्पेसिफिक नोड की ही क्यों करते हैं, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि इस ही नोड की बिटवीननेस फाइंड करनी है.
देखें ये एक सेंट्रलिटी मैयर है, सेंट्रलिटी मैयर हम लोग हर नोड के लिए कंप्यूट करते हैं, तो हमारे पास एक नेटवर्क के अंदर जितनी भी नोड्स होंगी हर एक के लिए हम लोग बिटवीननेस सेंट्रलिटी कंप्यूट करेंगे। ओके सर, समझ आएंगे।